आजादी के इतने बरस बाद भी यूपी के देवरिया में विकास के दावों की डरावनी तस्वीर सामने आई है। यहां वार्ड नंबर 18 में हजारों ननिहाल अपने जान को खतरे में डाल जुगाड़ से बने पुल को पार करने को मजबूर है। दरअसल यहां 150 से अधिक परिवार हर वर्ष बारिश के पानी से घिर जाते हैं। ऐसे में उनके पास आने जाने का कोई विकल्प नहीं बचता। ऐसे में इन परिवारों को जान जोखिम में डालकर पुल से गुजरना पड़ता है। तो वहीं इस बार भारी बारिश के कारण नाले का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। ऐसे में हादसों का अंदेशा बना हुआ है। बच्चे भी कभी कभी गिर जाते हैं, सांप पाप निकल जाते हैं, तो इससे खतरा रहता है, आने जाने में दिक्कत। ये पुल तो यहाँ का स्थानीय लोगों ने बनवाया है, दूसरी ये बच्चों के कमर भर से ऊपर पानी हेल करके आना जाना रहता है। किसी भी प्रकार का कोई विभाग जो है इस पर कोई सुनवाई नहीं किया। क्या बच्चों के जाने में दिक्कतें? बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। उधर से आते हैं और ये नसरुल्ला के घर पे कपड़े रख करके फिर जाते हैं। डर तो लगभग खत्म, मजबूरी है, डर लगता है हम लोग के कि भाई किस हम लोग भाई पानी आता है तो हम लोग डर जाते हैं। डर लगता है सर, बहुत बार तो ये पुल टूट भी चुका है, अभी फिलहाल टूटा है, फिर अभी बना है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, एक दो महीने हुए बने हुए। आते हुए जाते जाते डर लगता है, बाढ़ आता है तो पूरा मतलब दहने के कगार पे आ जाता है। उधर तो पूरा इतना समझिए पानी लगता है, ये पुल रहता फिर उधर बना रहता तो पूरा मोहल्ला सही रहता है। पुल की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत।